एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SKDTH पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डी डी फ्री डिश पर नए चैनल कैसे ऐड करें। तो गाइस जैसे कि काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि हमने अभी भी नया बॉक्स लिया है या फिर नया कनेक्शन लगवाया है। अब हमने कनेक्शन तो लगवा लिया लेकिन उसमें या तो कम चैनल आते हैं या फिर हमें कुछ नए चैनल ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसको कैसे ऐड करें, ठीक है। तो गाइस आपको नहीं पता है कि डी डी फ्री डिश पर कितने चैनल आते हैं टोटल, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको यह भी नहीं पता कि नए चैनल कौन से हैं तो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि नए चैनल को ऐड कैसे करते हैं, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपके डीडी फ्री डिश में टोटल चैनल कितने आते हैं, वो सभी आपके डीडी फ्री डिश पर ऐड हो जाए, ठीक है। तो चले गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये जो व्हाइट वाला बटन है सब्सक्राइब, इसको जल्दी से दबा दीजिए ताकि आपको जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो गाइस अभी मैं बात करता हूं कि डीडी फ्री डिश पर टोटल जो रूप से चैनल आते हैं वो आते हैं 94 चैनल। जी हाँ दोस्तों, 94 चैनल अभी डीडी फ्री डिश पर अवेलेबल है, ठीक है। अब गाइस ये जो 94 चैनल होते हैं ये एक ही बार में जब हम स्कैन करते हैं तब ये एक ही बार में 94 चैनल ही आते हैं, ठीक है, वही हमारे मेन चैनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बार बार ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो डबल रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक ही बार में ये प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई भी नया चैनल है वो बाकी नहीं बचेंगे, ठीक है, सभी चैनल हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेसिंग को शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेन्यू बटन दबाना है, ठीक है। मेन्यू बटन दबाने के बाद आपको प्रोग्राम सेटअप पे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेन्यू बटन दबाता हूँ, उसके बाद मैं चला जाता हूँ प्रोग्राम सेटअप पर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर प्रोग्राम सेटअप पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिलीट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पे मैं एडिट प्रोग्राम पे जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद ओके करने के बाद डिलीट ऑल प्रोग्राम, और यहाँ पे ओके पे हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने 0 चैनल है, ठीक है, कोई चैनल नहीं बचा है, ठीक है। अगर आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो नहीं भी करें, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्या होगा, डिलीट होने से क्या होगा कि आपके डीडी फ्री डिश का जो स्पेस है एकदम खाली हो जाएगा, उसके बाद में जो भी नए चैनल होंगे वो आसानी से ऐड जरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो मत कीजिएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली जो प्रोसेस जा रहा है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सभी चैनल को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आपको नए चैनल ऐड करने के लिए किसी भी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, आपको सिर्फ प्रोसेसर करना होगा, ठीक है। तो आपको मेन्यू बटन को दबाना है, उसके बाद में आपको चले जाना है प्रोग्राम सेटअप पर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको चला जाना है नीचे ऑटो स्कैन पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी, आपको जब ये ऑटो स्कैन करते हैं तब आपके सामने LNB फ्रीक्वेंसी डोर टाइप की आ जाती है, ठीक है। एक तो LNB फ्रीक्वेंसी 0 97 50 10 600 आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और कुछ में 0 51 50 0 51 50 फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब आप अपने सेट बॉक्स के सभी चैनल डिलीट कर देते हैं या फिर आप इस डायरेक्ट ऑटो स्कैन करते हैं, तब आपके सामने ये ऑटो स्कैन में जैसे आप इनपुट करते हैं तो आपके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वही आपको रखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे 0 51 50 0 51 50 है तो यही फ्रीक्वेंसी मैं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो इस सेटो बॉक्स की फ्रीक्वेंसी है ये मेन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर आपके 0 57 50 10 600 है तो भी आप उसको भी रखिए, ठीक है, इसको डालने की जरूरत नहीं है। जो भी फ्रीक्वेंसी आपके ऑटो स्कैन में ऑटोमेटिकली होती है उसे ही आपको रखना है, ठीक है। स्कैन मोड आपको यहाँ पर फ्री रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 22 के ऑफ कर देना है, डिस्क यूसी भी आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। अब सिंपल सा आपको ओके फ्रेश कर देना है, ठीक है। तो आप जैसे ही आप ओके फ्रेश करेंगे आपके डीडी फ्री डिश पर काफ़ी सारे चैनल ऐड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और गाइस ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होते ही आपके जितने भी चैनल आते होंगे सभी डीडी फ्री डिश पर ऐड न्यू प्रोग्राम के अंदर यहां पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, आपको अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जितने चैनल आते हैं वो सभी ऐड हो जाएंगे। अब हमारे साथ में अभी 94 चैनल अवेलेबल है, ठीक है, डीडी फ्री डिश के MPG2 बॉक्स पर, ठीक है। हालांकि MPG4 बॉक्स पर कुछ ज्यादा चैनल ऐड होते हैं, ठीक है, उसमें 5-7 चैनल ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, यहां पर देखते हैं कि इसके अंदर स्कैन के अंदर कितने चैनल ऐड होते हैं। और गाइस काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के साथ में ये भी प्रॉब्लम आती है कि जब वो ऑटो स्कैन करते हैं तब उनके सामने 36 या 40 चैनल ऐड होते हैं, ठीक है, उसके बाद में नहीं होते हैं, वो फिर से इस स्कैन को शुरू कर देते हैं तो फिर से वही 36-40 चैनल रिपीट हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वो ऐसे करते करते उनका स्पेस फुल हो जाता है, ठीक है। तो आपके सामने अगर 36-40 चैनल ऐड होते हैं तो उसके लिए आपको सर्च करना है यूट्यूब पर हाउ टू
हाउ 36 या फिर 40 चैनल ये ऐड क्यों होते हैं ओटू स्कैन पे, ठीक है, ये भी आप सर्च करते हैं, या फिर हाउ टू प्रॉब्लम 36-40 चैनल ऑन डीडी फ्री डिश अपडेट, ये भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 36-40 चैनल डीडी फ्री डिश पर ऐड क्यों होते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप 94 चैनल ऐड हो गए, ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो गए हैं, और अब आप देख सकते हैं ये 94 नंबर चैनल हमें डीडी फ्री डिश पर देखने को मिलता है, और अब हमारे साथ में कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो कि बाकी रह गया है, पीछे रह गए, ठीक है, सभी चैनल ऐड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डीडी फ्री डिश पर सभी नए चैनल को वापस ऐड कर सकते हैं अगर आपके डीडी फ्री डिश पर कम चैनल आते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।